हमको जब मारे बहुत थे गली में, हम 4-5 को निकाले और मुंह पे मेरे हेलमेट मारे और इतनी मार रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि एक दो को मार के फेंक देंगे। आप कितने महीने, अगर मैं पूछना चाहूँ कितने महीने आप जेल में थे? 36 दिन रहे थे। पुलिस वाले आए हैं, पूरी दीवार बना गए, हमने रोका भी बनाने के लिए, पर वो बोले नहीं ये आगे से आदेश आया है ये बनाना पड़ेगा। और उसके दूसरे दिन हमारे डेमोलिशन का काम शुरू कर दिया, 30-35 मकान तोड़ डाले हमारे, बुलडोजर चला दिया। और हमारे यहाँ तो कोई एविडेंस, किसी का एक का भी अगर एविडेंस है बता दे, हम हमारी तरफ से सबके लिए की फांसी की सजा दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स, मॉलिटिक्स का स्पेशल शो वोटर साइकिल डायरी जो मध्य प्रदेश चुनाव कवर कर रहा है। इसी सिलसिले में आज हम आ पहुंचे खरगोन। खरगोन जो है पिछले साल बहुत सुर्खियों में था, यहाँ पे हिंसा का एक मामला सामने आया था। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये एरिया है तालाब चौक, सामने अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जामा मस्जिद, जहाँ पे पिछले साल अप्रैल के महीने में रामनवमी का शोभा यात्रा निकली थी, रामनवमी की शोभा यात्रा निकली थी, जिसके बाद हिंसा का मामला सामने आया, जिसमें एक पक्ष को पूरी तरह से गुनहगार बताकर अरेस्ट करना चालू कर दिया। मेरे पीछे आपको पुलिस चौकी भी दिख रही है तालाब चौक की। अब इस पूरे मामले में हुआ क्या, आपको पहले यह बता रही थे, उसके बाद आपको ले चलते हैं उन लोगों के पास जो इस मामले में इनिशियल लाइन पे खड़े हुए हैं, जिनको सबसे ज्यादा टारगेट हुआ गया है। खरगोन पिछले साल अप्रैल के महीने में रामनवमी, रमजान का महीना भी चल रहा था, उस वक्त इसी जगह पर दंगे भर के हिंसा शुरू हुई, जिसमें गिरफ्तारियां सिर्फ एक पक्ष की हुई, यानी कि मुसलमान पक्ष की गिरफ्तारियां हुई। लगभग 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे 150 से ज्यादा लोगों की संख्या में सबसे ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। अब हम आपको लेकर चलेंगे खसखसवाड़ी इलाके में। खसखसवाड़ी वो इलाका है जो यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां से कम 50-60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आधी रात पुलिस छापा मारती है, वहां से मुसलमानों को गिरफ्तार करती है, बिना किसी गुनाह के वो लोग जो यहाँ शायद मौजूद भी नहीं थे उस वक्त, उनको गिरफ्तार करती है, मारती पीटती है, डिटेन करती है, इसमें कुछ बच्चे भी शामिल है। आइए लेकर चलते हैं आपको सीधे इस मोहल्ले में और सुनवाते हैं लोगों की बात। तो हमारे साथ इस वक्त एक और यहाँ पे मौजूद है भाई, इनको जो है पिछले दंगे में नामजद करके अरेस्ट कर लिया गया था, बिना किसी कोई आपके ऊपर कुछ था ही नहीं उससे पहले से कि आप वहाँ पे, आप तालाब चौक पे मौजूद थे जब ये सब हुआ? नहीं, घर पे थे। घर पे थे आप, तो पुलिस आई क्या बोल के लेके गई आपको? हमारे घर का गेट दरवाजे छोड़ा और हमको घर मेरे सदर सामने हमको ले गए, मतलब आप सामने दिखे और आपको लेके चले गए। उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? 17 साल। तो ऐसा कुछ नहीं पुलिस ने बोला कि जब 18 साल से नीचे है तो आप लोग उठा के लेके जा रहे? घर पे किसी ने कुछ ऐसा बोला, पुलिस को किसी ने बोला? घर पे सबको ले गए थे, सदर साहब थे ना, हम सबको घर पे चले गए, सबको ले गए थे, मतलब जितने भी आदमी दिखे सबको ले गए। तो आप कितने महीने, अगर मैं पूछ रहा हूँ कितने महीने आप जेल में थे? 36 दिन रहे थे। 36 दिन। 36 दिन में कुछ खराब बर्ताव हुआ कुछ ऐसा? वहाँ जेल पे कहीं नहीं हुआ। तो जब आपको पुलिस लेके गई तो क्या हुआ, किस तरह से लेकर गई, आपको क्या महसूस हुआ उस वक्त? हमको जब मारे बहुत थे गली में, हम 4-5 को निकाले और मुंह पे मेरे हेलमेट मारे पुलिस वालों ने, लोहे के हेलमेट, हेलमेट आपके मुंह पे लगा और फिर आपको लेकर चले गए मारते हुए वहाँ बाहर बीपी तक के ले गए थे। कुछ बोला कुछ आपको कि कुछ भी किसी भी तरह के शब्द इस्तेमाल किए हो, कुछ गलत बोला हो, ऐसा कुछ चिल्ला विल्ला के लेके गए, बिना किसी गलती के उठा के लेके गए कि पुलिस वाले जब आपको मार के पीटते हुए ले जा रहे थे आप और आपके दो भाई और, तो उन्होंने आपको कुछ बोला, कुछ बोल रहे थे इस वक्त, और आपको मतलब ऐसे बिना किसी बात के पुलिस ले जाएगी तो डर तो लगता ही है ना मन में, तो आप उस टाइम क्या महसूस कर रहे थे? बहुत हमारे हमको जितना मतलब छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, बाद में हमारे तक क्या बर्ताव करेंगे, वो मारेंगे कि मार तो ऐसे मार रहे थे मैडम, जितने भी मोहल्ले वाले सबको कि मतलब
सबके दो तीन के तो हाथ पैर तोड़ दिए। सबसे पहले तो अगर अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम खान है जी। तो सद्दाम भाई, क्या हुआ था पिछले साल जिसको लेके इतना बवाल अभी तक चल रहा है? वहाँ तलाव चौक के अंदर दंगे नाम से मतलब यहाँ पर आए थे कि दंगा हुआ है तलाव चौक के अंदर, और यहाँ से तलाव चौक कम से कम 2 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर तो कोई दंगा ना कहीं कोई यहाँ पर लड़े झगड़े वाले ही भी नहीं थे, मतलब यहाँ दंगा करे कोई मसले ही नहीं था यहाँ तो दंगा। बस यहाँ पे आ गए उठाने की। हाँ, ये एक मुसलमान बहुल इलाका है तो यहाँ से लेके रमजान महीने चल रहा था। हाँ। तो रमजान महीने के अंदर तो वैसे मुसलमान वैसे पूरे अपने घरों बस्ती में रहते हैं, हाँ। क्योंकि नमाज का टाइम रहता है रात में, बिल्कुल। बाकी कहीं भी नहीं। तो उसके बाद जब कितने दिनों बाद यहाँ पे गिरफ्तारियां शुरू हुई? गिरफ्तारी तो उसी रात के अंदर इतने मार के ले गए कि इंसान बता नहीं सकता कि कितना मारेंगे और कैसे कैसे ले गए, घरों के दरवाजे तोड़ तोड़ के ले गए। क्या क्या बोल के ले जा रहे थे? कहीं नहीं, सिर्फ गाली बक रहे थे पुलिस प्रशासन के लोग और मारते हुए लोग जा रहे थे कि चलो तुम नंगा ही हो, चलो तुम नंगा कर रहा हो भाई। पुलिस वाले आए थे? सिर्फ पुलिस वाले, उसके अलावा कोई नहीं, कोई यहाँ का आस पड़ोस का कोई हिंदू नहीं आया हमारे मोहल्ले में, कोई नहीं आया, पुलिस वालों के सिवा कोई नहीं। हम और इतने मार रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि एक दो को मार के देखते हैं। फिर आप गिरफ्तार करके ले गए और कुछ लोगों की जमानत अभी भी नहीं हुई? हाँ, अभी भी 3-4 लोगों में अभी तक जमानत नहीं हुई। और कुछ लोग कह रहे हैं कि और भी लोगों को गिरफ्तार कर। हाँ, अभी भी और आ रहे हैं ना, वो तो क्या दबाव बना रहे हैं कि और भी कामयाब हो क्या है। भगत में कह रहे थे कि ये भी था वो भी था। ये जान रही हूँ कि यहाँ से पास में एक कॉलोनी है जहाँ हिंदू ज्यादा रहते हैं, तो आपस में कैसा माहौल था पहले इस चीज? पहले तो ऐसा माहौल था मैडम कि लॉकडाउन के अंदर हमारे घर से वो ले जाते थे सामान और वहां से हम लाते थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। और आज भी हमारे और उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है, आज भी नहीं है। कोई दीवार बनवा दी गई? हाँ, एक दीवार बनवा दी है प्रशासन ने, बन रही है। क्या बोलते हैं? ये बन इसलिए इन्होंने कहा वैसे बन रही है तो नहीं बताया, लेकिन वो क्या है उनको ऐसा लगता है कि वो लड़ेंगे। इलाका अलग कर दे? हाँ, दोनों को अलग अलग कर दे, जबकि हमारा एक भी रास्ता था बस समय से, हम तो जब से पैदा हुए जब से देख रहे हैं। तो मैंने पीछे ये जो आपको एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड दीवार दिख रही है, ये पिछले साल जो खरगोन में दंगे हुए उसके बाद बना दिया गया, ये प्रशासन ने बनवाई है? ये क्या कि उस तरफ हिंदू मोहल्ला है, इस तरफ मुसलमान लोगों की आबादी ज्यादा है उनका मोहल्ला है, तो जो दंगे गए हैं ये बना देते हैं। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है हम तो आते जाते थे, इतने सालों से आते जाते रहे हैं और एक दूसरे के घर से भी सामान लेते थे, लेकिन अब ये कर दिया है। तो मेरे साथ यहाँ पे एक भाई और मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगी कि ये दीवार कब बनी है और आपको क्या बोल के बनवाई गई है, क्या लग रहा है आपको? ये दीवार के लिए बनाने के लिए कुछ भी बोला नहीं गया। हाँ। पुलिस वाले आए हैं और ये दीवार बना गए, हमने रोका भी बनाने के लिए पर वो बोले नहीं, ये आगे से आदेश आया है ये बनाना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि ये एक परेशान करने का तरीका है कि वहां से गिरफ्तार, तो अभी भी गिरफ्तारी चल ही रही है आपके मोहल्ले में, मुरादाबाद के लेके जा रहे हैं, तो ये भी एक परेशान करने का तरीका है? अब ये तो मैडम आपको खुद आप समझ सकते हो कि ये परेशान करने की, तो हमको तो जो परेशानी हो रही है वो परेशानी का हल निकाले, कुछ ना कुछ उससे हमको छुटकारा दे। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे आजाद हिंदुस्तान के अंदर का बॉर्डर देख पा रहे हैं, ये वो दीवार है जो खरगोन में 2022 में जो एक स्टेल कॉल जिसको सिर्फ एक नाम दे दिया गया है हिंसा हुई थी, उसके बाद ये दीवार कुछ ही दिनों बाद ये दीवार बना दी गई। ये दीवार क्यों बना दी गई? क्योंकि उस तरफ हिंदू आबादी रहती है, उधर मुसलमान आबादी रहती है, उनके बीच में ये दीवार बना दी गई। हालांकि सालों साल से दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना ही आज तक आज की डेट तक भी कोई झगड़ा, ना उन दंगों के बाद कोई झगड़ा हुआ, पर ये दीवार प्रशासन बनवाता है। ये एक तरह का बॉर्डर बना दिया है कि अब जब आजादी मिली है इस मुल्क को, तो जितने भी लोग हैं भले वो किसी भी जाति समाज रिलीजन कहीं से भी आते हो, सब मिलजुल कर आपसी भाईचारे से प्रेम से रहेंगे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। लेकिन आज के इस भारत में जो एक सरकार है, जो पिछले 9-10 साल से हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हम पिछले 9-10 साल से ये देख रहे हैं, लगातार चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में, चुनाव से 1-2 साल पहले ऐसा माहौल बनाया जाता है कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम दिखा दिया जाए, उसके नाम पर वोट बटोर लिए जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसा पॉलिटिकल आइडिया, ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि किसी तरह से डिवाइड करके हम रूल कर ले, हर चुनाव जीते, ऐसा दिखा दे कि हिंदू खतरे में है। हिंदू जो इस देश में ऑलरेडी 80% से ज्यादा आबादी रखता है, उसको खतरे में दिखाना, ये किस तरह की बात है आप खुद समझिए। आज हम जहाँ हैं ये एक बहुत अहम कहानी है जो आप तक पहुँचनी जरूरी है। हम इस वक्त खरगोन में हैं। खरगोन वो जगह है जहाँ पिछले साल अप्रैल के महीने में रामनवमी के चलते एक दंगा भड़काया गया और एक पक्ष को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा दिया गया, गिरफ्तारियां हुई,
जिनकी जमानतें आज तक नहीं हुई है, जमानतें छोड़ी अब लोगों को और गिरफ्तार अभी भी कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या हुआ उस वक्त, कैसा माहौल था, अब गिरफ्तारियां जो हो रही हैं वो किस बिना पे हो रही हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम सलीम अहमद है, मैं खस्तीवाड़ी का रहने वाला हूँ। पिछले साल क्या हुआ था, अगर आप मुझे थोड़ा सा कुछ उसका बता। मैडम ये तो उस तरफ यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर का मसला है, तालाब चौक है, वहाँ पर वायलेंस हुआ था। हमारे इस तरफ तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे किस तरह का मतलब आप लोग जो पहुंची हो वो हम तक तो ये बात पहुंची कि वहाँ से कुछ पत्थरबाजी हुई और हम तक खबर आई, तो हम तो कुछ मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है। और 12 बजे रात को हमारे यहाँ हमारे हमारे खुद मोहल्ले में फोर्स आया और हमारे 50 लोगों को मस्जिद से उठा कर गया और घरों के दरवाजे तोड़ करके ले गए। और उसके दूसरे दिन हमारे डेमोलिशन का काम शुरू कर दिया, 30-35 मकान तोड़ डाले हम, बुलडोजर चला दिया। क्या बोल के? ये अवैध बस्ती है, इस तरीके से उसको और कितने साल से होगी वो घर वगैरह? या तो जन्मजात से मैडम देख रहा हूँ। हाँ, अब एकदम से वो इलीगल। और जो यहाँ से लोगों की गिरफ्तारी हुई, यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी भी गिरफ्तारियां चल रही हैं। हाँ, पुलिस अभी भी परेशान करती है मैडम, वो तो वक्तन फोक्तन परेशान करती है और ये क्या करके परेशान करती है कि इनका धंधे में नाम है। और हमारे यहाँ तो कोई एविडेंस किसी का एक का भी अगर एविडेंस बता दे, हम हमारी तरफ से सबके लिए फांसी की सजा दे देंगे। एक बच्चे का भी अगर वीडियो फुटेज आ जाए तो सब नाजायज गए हैं, सब नाजायज 1.5 साल लोगों ने काटा है, 1.5 साल के बाद जमानत हुई है और अभी भी कुछ शहर के बहुत सारे लोग उसी दंगे के बिना पर अंदर लगे हैं, अभी तक नहीं जमानत हो रही है। यहाँ से मोहल्ले से भी अभी भी लोग जेल में हैं? अभी मोहल्ले से नहीं, मोहल्ले के सबकी जमानत है। हाँ, दो लोग हैं अभी, दो लोग और रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि बच्चों को भी लेके गए, दो चार। हाँ, नाबालिग बच्चों को भी लेकर गए कि दंगा भड़का रहे। दंगा भड़का रहे घर में से लेकर गए, मैं खुद उसी घर में मौजूद था, मैं खाट के नीचे छुपा और वो खटिया पर बैठे थे और उनको लेकर गए। नाबालिग 3 बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे, मेरे चाचा भाई के बच्चे थे वो, और उसी में हमारे मोहल्ले का कुछ सदर वही मौजूद था, हम वहाँ मौजूद थे, घर में मौजूद थे और उस सदर को भी लेकर गए थे, वो भी 16 साल काट के आए और वो उन्हीं के साथ 3 नाबालिग बच्चों को भी लेकर गए। अच्छा, जब जमानत के लिए आप लोग कोशिश कर रहे थे तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अभी भी कैसा माहौल है आप लोगों के लिए, कितना मुश्किल है इस वक्त में चीजें करना? और अभी तो चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव जैसे ही आते ये लोग और कोशिशें चालू रहती है कुछ ना कुछ करने की। अभी तो मैडम मतलब यह है कि अभी तो हमको बस यही है कि पुलिस ये करके आती है कि भैया जिनके नाम है उनके आपको गिरफ्तारी करना पड़ेगी, उन्हें गिरफ्तारी देना पड़ेगी। नाम कौन दे रहा है, आपको क्या लग रहा है नाम कहाँ से पहुंच रहे उनके पास? नाम तो ये तो वही पुलिस जाने कहाँ से पहुंच रहे हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि नाम ना भी पहुंचे तो वो आके आगे प्रेशर बनाना, मतलब कि आज जब 6 साल हो चुके हैं आजादी के, इसके बाद हमें इस तरह का कुछ देखने को मिल रहा है जो एक सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये बॉर्डर बना दिया गया है दो लोकैलिटीज के बीच में, ये कह गया कि दंगे हो सकते हैं। इन दंगों में खरगोन के जो राइट्स हुए थे, जिनको राइट्स कहा जा रहा है, उसमें अभी तक गिरफ्तारियां चल रही हैं। इस मोहल्ले से कई लोगों को गिरफ्तार उस वक्त किया गया, आज तक किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनको बेल अभी तक नहीं मिली है, बेल मिली है तो बहुत मोटा पैसा देकर बेल मिली है, जो पैसे मोहल्ले में लोगों ने आपस में अरेंज करे, पहले से उनको कोई मदद भी नहीं मिली है। और आप मोहल्ले की हालत आपने इस वीडियो में देखी होगी कि किस तरह का मोहल्ला है, इसके बगल वाले मोहल्ले की भी हालत अगर हम आपको दिखाएंगे तो फ्रेंड में आपको दिखेगा कि कितना कंपैरिजन है, कैसा डिवाइड एक जो क्रिएट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है वो लगातार चालू है खरगोन से कशिश सिंह मीनिंग सक्सेना के साथ।